अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ हज़रत अबुल हसन खरकनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक ईमान अफरोज़ वाक़िया, जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको इससे सबक भी हासिल होगा। इनका आस्थान आलिया ईरान के शहर खरकान में मौजूद है, तो इस वाक़े को सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तालकन शहर का रहने वाला एक शख्स था, उसका एक बुज़ुर्ग एक अल्लाह के वली से बेहद मोहब्बत थी। उस बुज़ुर्ग का नाम हज़रत अबुल हसन खरकनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। उस शख्स को हज़रत से मिलने का बहुत शौक़ था, उनके दीदार का, उनकी ज़ियारत का, उनसे बातें करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का बहुत शौक़ था। लेकिन तालकन शहर और खारकन के बीच का जो रास्ता था वो जंगल का रास्ता था। उस रास्ते में जंगली जानवर का डर, डाकुओं का डर इस शख्स को हमेशा रोक देता था, क्योंकि वो सफ़र बहुत डराना और भयानक था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौके दीदार शौके ज़ियारत में उससे सब्र नहीं हो पाया। आखिरकार उसने सामान्य सफ़र बांध ही लिया और खारकन की तरफ सफ़र पर निकल गया। कई दिन कई महीने उसने पहाड़ी जंगली रास्ते से होता हुआ डाकुओं से लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल भरा सफ़र तय किया। आखिरकार वो लंबा सफ़र तय करता हुआ वो खारकन पहुंच ही गया। खारकन पहुंचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर वो हज़रत के शहर पहुँच ही गया। लोगों से उसने मालूमात ली, हज़रत बहुत मशहूर थे, किसी ने उसको हज़रत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हज़रत के घर पहुँच गया और बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से हज़रत की बीवी की गरजदार और कड़कदार आवाज़ आई, कौन है? वो शख्स थोड़ा सा सहम गया। वो सोचकर आया था कि यहाँ मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज़ आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सहम गया, उसने कहा कि मैं तालकान से आया हूँ और मैं हज़रत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से उनकी बीवी ने उसी गरजदार और कड़वे लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, अरे वो पागल इंसान, तुझे क्या ज़रूरत थी इतना लंबा सफ़र तय करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ आया है? ये कहाँ का बुज़ुर्ग, कहाँ का हज़रत? तूने शायद धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, तुम्हारी अकल पे तो रोने का दिल करता है, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे भाई जाओ अपना काम करो, इन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है, अभी भी वक्त है, जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, इसके चक्कर में रहोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब उस शख्स ने हज़रत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले ज़मीन निकल गई, कहने लगा, हज़रत को देखो और हज़रत की बीवी को देखो, उनकी बातों को तो देखो, हज़रत की बीवी है और कितनी बदज़ुबान, चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल दी कोई बात नहीं, लेकिन हज़रत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें, हज़रत के इल्म से सारी दुनिया जगमगा रही है और हज़रत की बीवी, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हैरान व परेशान होकर हज़रत की बीवी की बातें सुनकर उस घर से वापस लौट गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ तो हज़रत से मिले बगैर तो नहीं जाऊँगा और उनकी बीवी की बद अखलाकी की वजह तो ज़रूर पूछूँगा। वो लोगों के पास आया और हज़रत का पता पूछा कि ये हज़रत कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हज़रत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, लकड़ियाँ लेने के लिए गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ। बहरहाल वो अकीदतमंद जंगल की ओर निकल गया और रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, कैसा शेख, किसके चक्कर में पड़े हो, अगर ये इतने बड़े होते तो इनकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देते। ऐसे ऐसे वसवसे शैतान उसके दिल में डाल रहा था ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन ये बड़ा अकीदतमंद था, वो लाहौल पड़ता हुआ आगे बढ़ता गया, फिर क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्टा लगा हुआ है और हाथ में काले सांप का कोड़ा है। यह शख्स पहचान गया कि हो ना हो ये वही बुज़ुर्ग हैं, मेरे शेख हैं। मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब करीब गया तो हज़रत से मुखातिब हुआ और कहा कि हज़रत, जंगल में तो आपका मकाम ये है,
कि आपने यहाँ पर जानवरों को अपने काबू में कर लिया है और घर में आपकी बीवी बेकाबू है। आपने उसको काबू में नहीं किया, वो इतनी बदजुबान, इतनी बद अखलाक। हज़रत ये माजरा समझ में नहीं आया। हज़रत ने बड़े प्यार से कहा, ओ अल्लाह के बंदे, अपनी फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और अल्लाह ने मुझे जो ये मकाम दिया है ना, ये जो मैं शेर की पीठ पर बैठा हूँ और ये जो सांप मेरे हाथ में है जो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ये शेर जो मेरी ग़ुलामी कर रहा है, ये मेरी बीवी की बदज़ुबानी बर्दाश्त करने पर अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो ये शेर मेरा फरमा बरदार ना होता। तो नाज़रीन, इस ईमान अफरोज़ वाक़े से हमें सीखने को ये मिला कि हर हाल में सब्र और शुक्र करना चाहिए। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दौरान गुफ्तगू अगर किसी किस्म की खामी गलती हुई हो तो मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुआफ़ अता फरमाए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।